नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने वैग यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा आईपीएल सीजन 17 की मैच नंबर 50, उसमें क्या होंगी हमारी फैंटेसी की टीम। ध्यान रखिएगा, मुकाबला जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में, जो कि कंप्लीट बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है। यहाँ पे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासिन और एडन मैक्रम से कैसे बच पाएंगी राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाज, उसको लेके हम यहाँ पे बारीकी से बात करेंगे। टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद, मेरे टीम में अगर कुछ फेरबदल होंगी उसको लेके मैं आपको टेलीग्राम पे अवगत करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करके रख लेनी है। और मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी का भी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर हम बात कर लेंगे मैच को लेके, मुकाबला खेला जाएगा राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में। मैं रिपीट कर दूं, ये जो विकेट होती है ना वो टिपिकल नेचर में आपको देखेंगे, बैलेंस वन विकेट, लेकिन इस सीजन यहाँ पे खूब रन बन रहे हैं। एवरेज स्कोर को लेकर बात करेंगे, आपको देखने को मिलेगा 150 से 160 ओवरऑल, लेकिन इस सीजन 200 प्लस आराम से बन रहे हैं। हाईएस्ट टोटल 277, लोएस्ट टोटल 80। अगर हम बात करेंगे वेन्यू टी20 स्टेट्स को लेकर, टोटल मैच खेले गए 76, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 34, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 41। टी20 स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करेंगे, बिलो स्कोर 150 बने 35 टाइम्स, बिटवीन 150 टू 169 बने 11 टाइम्स, बिटवीन 170 टू 189 बने 13 टाइम्स, एबव 190 बने यहाँ पे 17 टाइम्स। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रिसेंटली मुकाबला खेला गया उसमें कैसे क्या स्कोर बनाए, क्योंकि किसी भी पिच का एक्चुअल नेचर अगर आपको जानना हो तो वहां पे जो रिसेंट मुकाबला खेला गया उसको आप बारीकी से देखिएगा। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आरसीबी ओमैन के साथ सनराइजर लास्ट मुकाबला खेल के आ रही है, जहां पे आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाए थे 206, जवाब में सनराइजर हैदराबाद लगाए थे 171, 8 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 6, स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 3 विकेट, स्पिनर 5 विकेट। उससे पहले 5 अप्रैल 2024 को सीएसके पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाई थी 165 रन, 5 विकेट नुकसान पे, जवाब में सनराइजर हैदराबाद 166 रन, 4 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 4, स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 1, स्पिनर 3 विकेट। इससे पहले 27 मार्च 2024 को सनराइजर हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाई थी 277, जवाब में मुंबई इंडियंस लगाई थी 246, 5 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 2, स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 4, स्पिनर 1 विकेट। अगर हम बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन लास्ट के 7 टी20 मैचेस में, तो पेसर्स को मिले 45 विकेट, स्पिनर खाते में गए यहाँ पे 31 विकेट। अगर हम बात करेंगे हेड टू हेड को लेके, तो दोनों टीम आमने सामने आई है 18 दफा, 9 बार जीती है सनराइजर हैदराबाद, 9 दफा जीती है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स। सनराइजर हैदराबाद की हम लास्ट 5 मैच को लेकर बात करेंगे, लॉस लॉस विन विन विन, उसके अलावा यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की देखिएगा विन 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 लॉस करके आ रही हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे राजा भाई आपका ओपिनियन यहाँ पे क्या है, कौन सी टीम है, किस टीम को फैंडी दे सकती हैं, मेरा मानना है इस मैच को हैदराबाद जीतेंगी और राजस्थान रॉयल्स हारने वाली है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों टीम के लास्ट मैच को लेके, तो राजस्थान लास्ट मुकाबला में जो है वो किसको फैंटी दिए थे और सनराइजर हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स से हार के आ रहे हैं। वहाँ पे हुआ क्या था, तो राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे सामने गई थी चेस करने के लिए और आराम से 199 को चेस डाउन कर लिया था। जयसवाल 24, बटलर 74, सैमसन 71, रियान पराग 14, ध्रुव जुड़ल के थे 52 रन। गेंदबाजी में बात करेंगे, ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 41 रन 1 विकेट, संदीप शर्मा 4 ओवर 31 रन 2 विकेट, आवेश खान 4 में 42 रन 1 विकेट, अश्विन 4 ओवर 39 रन 1 विकेट, चहल 4 ओवर 41 रन 0 विकेट। अगर हम बात कर लेंगे सामने सनराइजर हैदराबाद को लेके, तो ये लास्ट मुकाबला हार के आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के साथ, वो भी वन साइडेड बड़ी हार। ट्रेविस हेड 13, अभिषेक शर्मा 15, अनमोलप्रीत सिंह आए थे एज एन इंपैक्ट प्लेयर, जीरो किए थे माकरम 32, नीतीश रेड्डी 15, क्लासन 20, समद 19, सहबाज अहमद 7 और पैट कमिंस किए थे 5 रन। गेंदबाजी में भुवनेश्वर 4 में 38 रन 1 विकेट, नीतीश रेड्डी 1 ओवर 8 रन 0 विकेट, शाहबाज 3 में 33, नटराजन 4 में 43 रन 1 विकेट, उनादकर 4 में 38 रन 1 विकेट, पैट कमिंस 4 ओवर 49 रन 0 विकेट। अब आइए हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, बैटिंग ऑर्डर
जो है वो कह सकते हैं कि मैच के अकॉर्डिंग कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। आपको अपने दिखेंगे बटलर के साथ जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, हिटमायर, डी जुरेल, रोमन पॉवेल और अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा और यूजी चहल। गेंदबाजी में यूजी, संदीप, आवेश, ट्रेंट बोल्ट और आर अश्विन, ये पांचों मिलकर आपको चार चार ओवर का स्पेल डालते दिखेंगे। और हाँ, अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो ये रोमन पॉवेल को रखेंगे इंपैक्ट प्लेयर जोन में, अगर ये कोलैप्स होते हैं तो पॉवेल को लेके आएंगे, कोलैप्स नहीं होते हैं तो इनके जगह पे एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी के साथ ये लोग जा सकते हैं। अगर हम बात कर लेंगे बटलर को लेके, तो बटलर का जो स्टैट्स है ना, सिर्फ सनराइजर के साथ ही थोड़ा सा आपको औसत देखने को मिलेगा। हेड टू हेड 12 मैच में 381 रन, 32 का एवरेज, वेन्यू पे 5 मैच में 82 रन, सिर्फ 20 का एवरेज, रिसेंटली 34-35, 107, 8, 100 पे नवाद। जायसवाल हेड टू हेड 5 मैच 157 रन, 31 का एवरेज, वेन्यू पे 1 मैच 54, रिसेंटली 24, 104 पे नवाद, 19-34, 39-24। संजू सैमसन का हेड टू हेड स्टेट से लाजवाब, 21 मैच में 791 रन, 50 का एवरेज, वेन्यू तो उससे भी बेहतर, 6 मैच में 287 रन, 71 का एवरेज, रिसेंटली 71 पे नवाद, 38 पे नवाद, 12, 18 और 68 पे नवाद। फिर आपको दिख जाएंगे रियान पराग हेड टू हेड 7 मैच में 96 रन। ध्यान रखिएगा रियान पराग का पिछले सीजन तक का आप स्टैट्स को भूल जाइएगा, इस सीजन रियान पराग अलग रियान पराग है, रियान पराग 2.0 है। अगर बात करेंगे वेन्यू पे 1 मैच में 7 रन, रिसेंटली 14 डू नॉट बैट, 34-23-76। सिमरन हेटमेयर हेड टू हेड 10 मैच में 225 रन, 37 का एवरेज, वेन्यू पे 3 मैच में 87 रन, 43 का एवरेज, मतलब इनका हेड टू हेड वेन्यू दोनों लाजवाब। डी जुरेल 1 मैच खेले हैं हेड टू हेड जहाँ पे बैटिंग नहीं आई है, रिसेंटली 52 डू नॉट बैट, 2-6 डू नॉट बैट। उसके अलावा अगर बात कर लेंगे रोमन पॉवेल को लेके, हेड टू हेड 1 मैच खेले हैं, 67 किए, रिसेंटली डू नॉट बैट 26-11-2। आर अश्विन हेड टू हेड 19 मैच में 12 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 6 विकेट, सामने 3 लेफ्टी हैं, ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड, उसके अलावा कौन, अभिषेक शर्मा, और नीचे से आपको दिख जाएंगे शहबाज अहमद, 3 लेफ्टी के सामने इनका ठीक ठाक स्पेल हो सकता है। वेन्यू पे 7 मैच में 6 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 0 विकेट, 8 रन, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। ट्रेंट बोल्ट हेड टू हेड 10 मैच में 13 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच में सिर्फ 3 विकेट है, रिसेंटली 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। ध्यान रखिएगा अगर आप अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड दोनों को लेते हो, फिर ट्रेंट बोल्ट को लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर हम बात कर लेंगे इनके अलावा आवेश खान को लेके, हेड टू हेड 2 मैच में 8 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। संदीप शर्मा उभरता हुआ कह सकते हैं कि पुराना चावल, हेड टू हेड 9 मैच में 9 विकेट, वेन्यू पे 16 मैच में 15 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 5 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट देखिएगा स्टार्टिंग ओवर डालते हुए आपको दिख जाएंगे आवेश खान, संदीप शर्मा, और डेथ में ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, संदीप शर्मा, इसके अलावा आवेश खान। अगर हम बात करेंगे इनके इंपैक्ट प्लेयर में, यूजी चहल हेड टू हेड 4 मैच में 6 विकेट, वेन्यू पर 2 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। ध्यान रखिएगा यूजी चहल आपको नीचे गेंदबाजी भी डालते नजर आ जाएंगे, प्लस इनके विकेट मिलने के थोड़े से जो असर मुझे कम दिख जाते हैं, उसके मेन रीजन है इनके सामने बल्लेबाजी करेंगे क्लासेन और एडन मार्करम, जो कि स्पिन के सामने अपना विकेट जल्दी फेंकते नहीं हैं। अगर हम मैचअप्स के ऊपर ध्यान देंगे तो सबसे पहला नाम आ जाएगा कौन, संजू सैमसन का, ये जो है भुवनेश्वर का खेलने 89 बॉल रन 118 और 3 अटेम्प्ट, नटराजन का 37 बॉल रन 40 और 1 अटेम्प्ट। फिर जॉस बटलर तो भूवी के सामने अपना विकेट ही फेंक देते हैं, 91 बॉल में 104 रन 6 विकेट, कमिंस का 57 बॉल 82 रन 2 विकेट, रियान पराग कमिंस का 6 बॉल खेले हैं 5 रन किए, 1 दफा आउट हुए, नटराजन का 15 बॉल खेले 26 रन किए, 2 दफा आउट हुए हैं। सिमरन हेटमेयर भूवी का 29 बॉल खेले 40 रन किए, 1 दफा आउट हुए, नटराजन का 25 बॉल खेले हैं 40 रन किए, 1 दफा आउट हुए हैं। फिर हम बात कर लेंगे सनराइजर हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि इनको इंपैक्ट बिलर में अनमोल प्रीत से ऊपर अब जाना होगा। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर, तो ध्यान रखिएगा ये लोग इस मैच में जो है फिर से मयंक मारकंडे को लेकर जाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम हो सकता है बीच में स्पिन के सामने थोड़े से जो कहते हैं कि एक्सप्लोसिव शॉट खेलने चाहें, विकेट फेंक दें। उसके अलावा यहाँ पे इस वेन्यू पे मारकंडे का स्टैट्स भी ठीक ठाक है। ट्रेविस हेड के साथ आपको दिख जाएंगे अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम या फिर वन डन आपको दिख जाएंगे अनमोलप्रीत सिंह, फिर नीतीश रेड्डी या फिर क्लासेन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, जयदेव उनादकट। गेंदबाजी में अगर यहाँ पे जो है मार्कंडे नहीं खेलते हैं तो उनादकट, नटराजन, भूवी, पैट कमिंस और
यहाँ से आपको दिख जाएंगे दो ओवर डालते हुए शहबाज अहमद और यहाँ पे नितिश रेड्डी एक ओवर डालते हुए, बाकी अगर जरूरत पड़ी तो ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा भी आके एक आध ओवर डाल सकते हैं। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे प्लेयर स्टैट्स को लेके, बारीकी से ध्यान दीजिएगा ट्रेविस हेड के ऊपर, हेड टू हेड खेले ही नहीं है, वैनी पे चार मैच में 124 रन 31 का एवरेज है, रिसेंटली 13 एक ही ऐसे प्लेयर हैं या तो वैसे साहब बल्ला अपना फेंक देंगे या फिर सामने वाली टीम को मैच से बाहर फेंक देंगे। 89 102 21, अभिषेक शर्मा हेड टू हेड पाँच मैच में 85 रन 28 का एवरेज, वैन्यू पे 11 मैच में 171 रन 2 विकेट, रिसेंटली 15 31 46 34 रन 0 विकेट 16। एडन माक्रम हेड टू हेड तीन मैच में 89 रन, वेन्यू पे 9 मैच में 248 रन 35 का एवरेज, रिसेंटली 32 7 1 32 पे नवाद और 0। फिर आपको दिख जाएंगे नीतीश रेड्डी, वेन्यू पे देखिएगा 3 मैच में 27 रन, रिसेंटली 15 रन 0 विकेट 13 37 रन 2 विकेट डू नॉट बैट और 64 रन 1 विकेट। क्लास इन हेड टू हेड 2 मैच में 32 रन, वेन्यू पे भाई साहब देखिएगा 9 मैच में 351 रन 58 का एवरेज, रिसेंटली 20 7 15 67 9। अब्दुल समद हेड टू हेड 6 मैच में 63 रन, वेन्यू पे 8 मैच में 109 रन 36 का एवरेज, लेकिन इनका काम है 10 बॉल में 35 रन करना जो कि आराम से लगभग कर देते हैं, रिसेंटली 19 10 13 37 पे नवाद और 25। फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे शहबाज अहमद हेड टू हेड 8 मैच में 76 रन और 2 विकेट भी हैं, साथ में वेन्यू पे 4 मैच में 58 रन 3 विकेट, रिसेंटली 7 रन 0 विकेट 40 रन 0 विकेट 59 रन 0 विकेट 0 विकेट 14 रन यहाँ पे 0 विकेट। पैट कमिंस हेड टू हेड 4 मैच में 37 रन 6 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 39 रन 6 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 31 रन 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। भुवनेश्वर कुमार हेड टू हेड 16 मैच में 15 विकेट, वेन्यू पे देखना कितना मैच खेले 48 मैच 44 विकेट, उसके अलावा रिसेंटली 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। भुवनेश्वर का रिसेंटली ऐसा हो गया ना, ये गुच्छे वाले स्पेल नहीं डाल पा रहे हैं। उसके अलावा जयदेव उनादकट हेड टू हेड 5 मैच में 4 विकेट, लेकिन स्पेशल क्या है वेन्यू स्टेट्स, 11 मैच में 19 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। नटराजन हेड टू हेड 5 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे 9 मैच में 10 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। स्टार्टिंग ऑर्डर को लेकर बात करेंगे, आपको दिख जाएंगे पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डेथ में, नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस, उसके अलावा आपको दिख जाएंगे एज एन इंपैक्ट अनमोल प्रीत सिंह, हेड टू हेड 2 मैच में 38 रन, वेन्यू पे 1 मैच में 36, रिसेंटली 0-41 0-30 7। उसके अलावा अगर मयंक मार्कंडे खेलते हैं तो इनका वेन्यू स्टेट्स अच्छा है, 9 मैच में 11 विकेट, लेकिन हेड टू हेड इनका बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगर हम मैचअप्स के लिए कोई बात कर लेंगे, राहुल त्रिपाठी साहब, अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर में अनमोल प्रीत सिंह को लाना है तो मेरे ख्याल से आपको फिर से रिस्क लेना चाहिए था राहुल त्रिपाठी के ऊपर। चहल का 44 बॉल खेले 43 रन किए, 2 दफा आउट हुए हैं। बोल्ट का 17 बॉल खेले 14 रन किए, 2 दफा आउट हुए हैं। अभिषेक शर्मा अश्विन का 12 बॉल खेले 18 किए, 1 दफा आउट हुए हैं। ट्रेंट बोल्ट का 18 बॉल खेले 11 किए, 1 दफा आउट हुए हैं। मयंक अग्रवाल तो मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे ही नहीं। क्लासन नांद्रे बर्गर का 28 बॉल खेले 38 रन किए हुए, 1 दफा आउट हुए। चल के 41 बॉल खेले 93 रन किए, 41 में 93, लेकिन सबसे बड़ी बात 3 दफा यहां पे आउट भी हुए हैं। उसके बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा अभी जो हम बात करेंगे वो मैच हमारी डेमो टीम होंगी, टॉस के बाद प्लेइंग 11 आने के बाद पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरे टीम में कुछ ना कुछ फेरबदल होना ऑलमोस्ट तय है, जिसको लेके मैं आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करके रख लेनी है। देखिएगा फिलहाल जो मेरी फैंटेसी टीम है वो आपके सामने है, जॉस बटलर, सैमसन, उसके अलावा क्लासेन, बैटिंग से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। अगर आप ट्रेंट बोल्ट को लेना चाह रहे हो दोनों को फिर ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर के बल्ले ऐसे नेचर के बल्लेबाज हैं ना जो पर बॉल हिटिंग करने जाएंगे और शायद ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे इनको मात दे दे। फिर जायसवाल, एडम माक्रम, रयान पराग, चहल, पैट कमिंस, नटराजन, कैप्टनसी की बार मैंने अभी के लिए सौंपे हैं बटलर को, वीसी में यहाँ पे सैमसन, जायसवाल, क्लासेन, इसके अलावा एडन माक्रन, इनमें से किसी एक को दे सकता हूँ। रिस्क टेकर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा को कतई मत भूलना, ये कॉम्बो अगर चल पड़ी तो फिर सामने वाली टीम का बेड़ा गर्क होना ऑलमोस्ट तय है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।